अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। छोटा बच्चा आ चुका है, सलाम करो, सलाम करो, करें सलाम, पूछें क्या हाल है, सलाम करें सलाम करें। बस ये आप लोगों को हंस के दिखा। जी जी जी, ये आपको ऐसे ही सलाम कर रहा है क्योंकि ये हंस के दिखा रहा है। हाँ जी, सलाम करें, सलाम करें। वो देखे भाई आ गए। भाई बारिश में भी क्या जानबूझ के, तुझे बुखार था, ये देखे जरा। देख अबू जी, उसने मिनट में की मुझे फोन करके कहा कि ये ना जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसने कहा बारिश हो रही, ना जाए, आप आराम कर लो, इधर आ जाओ ऑफिस से, बाहर अंदर नहीं जाना, बाहर आ जाए। ये देखे छोटा बच्चा सलाम कर रहा है, भाई भी क्या आ गया, भाई भी क्या आ गया, देखो भाई भी क्या आ गया, भाई भी। जी व्यूवर्स, आज का ब्लॉग देखे, बारिश अभी से स्टार्ट हो गई है, सुबह सुबह तकरीबन इतनी बारिश हो रही है। तो हम जो है ना वो आज जाएंगे, भाई छोटा बच्चा तो नहीं साथ जाएगा, मैं अकेले जाऊँगी। मेरी ना नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, मुझे लग रहा है, और मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है सिर में, तकरीबन 3 माह हो गए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने डॉक्टर से टाइम लिया। मैं अभी जाऊंगी अपनी नज़र चेक कराने, और उसके बाद ग्लासेस बनवाती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं मुझे कौन सा नंबर लगता है। फिलहाल तो मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे देखिए छोटे बच्चे को बारिश हो रही, कैसे आँखें बंद कर रहा है बारिश में आँखें बंद कर रहा है। बारिश बहुत तेज़ हो रही, कल भी बहुत तेज़ बारिश हुई और आज भी। अभी हम चलते हैं ना घुमाने, और फिर शेल्टर होम जाना है, वहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, उनको छोड़ने जाना है। सारा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। ओह देख, देखें वो नाम लिखने के लिए दिया हुए थे मशीन के ऊपर भी और एम्बुलेंस के ऊपर भी, स्ट्रॉन्ग उज़्मा। तो चल के देखते हैं उन्होंने लिखा है कि, फिर आपको भी दिखाते हैं छोटी सी एक मशीन, क्योंकि आपको पता सिलाई स्कूल और मशीनों का ही काम है। तो मुझे एक मशीन जो है वो आई है गिफ्ट, तो उसके ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है ना उसको प्रोमिनेट करके लिखवाया, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एम्बुलेंस कितनी प्यारी लग रही है, ये मशीन बड़ी प्यारी है। चलती भी है। अबू जी देखो, अबू ठीक हो? तबीयत ठीक है? ये देखे मेरे अबू की कितनी ज्यादा मेडिसिन आई है, ये देखें जी भर के आई है, इतनी ज़्यादा मेडिसिन, ये इन्होंने खानी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र। मीरू कुछ आज नाराज है, मीरू कहाँ हुआ है? कह रही मुझे कैटो लेके दो पेट। अबू कह रहे हैं उसको संभालना, किसने कैटो को किसने संभालना, मीरू बताओ। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहिए। तो देखें आज मैं पार्क के अंदर हूँ, इसको कहते हैं डूंगी ग्राउंड। पानी देखें कितना ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट किया था। मैं कहाँ बैठ के पढ़ती थी वो जगह भी आपको दिखाती हूँ। तो आए मेरे साथ, इसका फुल मैं इंशाल्लाह किसी दिन ब्लॉग बनाऊँगी। तो इधर ही मेरे साथ नशेई भी होते थे और मैं भी होती थी, लेकिन वो लगाते थे अपने आप को इंजेक्शन और मैंने एक इलम की क्षमा को रोशन किया हुआ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ लोग मैच खेलते हैं, लेकिन अब पानी से फुल भरा हुआ है क्योंकि कल बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई है। तो ये मंडी स्टाफ का पार्क है, डूंगी ग्राउंड, और साथ ही एक बालटोन का मेहरान ब्लॉक है। ठीक है व्यूवर्स, मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी शॉप पे। तो कल मैंने अपनी ऐनक बनवाई है, दोनों ही नज़दीक की भी नज़र दूर की भी। तो अभी मैं चल के देखती हूँ कि मेरी ऐनक बन गई है कि नहीं, अंकल ने बनाई है कि नहीं। तो कल चेकअप हुआ था, तो उसकी अब ऐनकें मैं लेने के लिए आई हूँ, और मैं पहुँच गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरी ऐनक बन गई है? बन गई बिल्कुल। दिखा दें फिर मुझे, आपकी मेहरबानी है जी, दे दें जी, लाएँ जी मेरी ऐनक, मैं लगा के भी देखूँ फिर कैसी लग रही है। क्या कह रहे हैं? नहीं देखे मुझे कह रहे हैं जी, आम जो है ना वो आप ये लगाएं, जो के वो नस्तूर जिन वाली,
और जो सही है वो कह रहे हैं आप कभी कभी डॉक्टर साहब मेरे बात टूट जाएगी तो बना के नहीं दे सकते जितने गए मैं पता चल गया आज मैं की हूं छोड़ दो ठीक है मैम बुरा ही सही हां हां बच्ची मैं बुरा मैंने बुरा शुरा किसी को नहीं बोला नहीं जी मैं देख रहा हूं बन गई है दोनों ही दो ने दिन बनाई क्यों दो दूर गई और एक ने व्यूअर्स मेरा मजाक नहीं उड़ाना क्योंकि अब नजर खराब हो गई है तो मैं क्या करूं एक ये है दूर की और दूसरी दिखाई ये प्लास्टिक का फ्रेम हल्का सा अच्छा रखा ज्यादा अच्छा फ्रेम है इसलिए इसे स्पेशल डिब्बी दी अच्छा ये इसकी स्पेशल डिब्बी है फ्रेम भी बड़ा अच्छा और कपड़ा भी बड़ा अच्छा है क्या बात है इससे साफ करेंगे हम इसको लाइन ये सबसे अच्छी लगी ये अच्छी लग रही हाँ जी ये चेंज करेंगे शीशे धूप में अच्छा फिर मैं धूप में जाऊंगी तो ये चेंज हो जाएंगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा ठीक है ये भी धूप में मल्टी कोट भी है हार्ड कोट भी है और सन सनलाइट भी है और इससे दो सनलाइट भी क्या बात है और तीसरी नजदीक के है दूर की हाँ जी मैं अभी लगा के देखती हूँ ये मेरी नजदीक की है लगा जी इतनी ज्यादा आंखें खराब हो गई मैंने ध्यान ही नहीं दिया तीन चार महीनों से मेरी आंखें दर्द कर रही थी मैंने ध्यान दिया मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है चले अब खैर बन गई ये नजदीक की इससे सिर्फ मैं ही डॉक्टर से टाइम लेता था जी इससे सिर्फ मैंने नजदीक ही देखना करना चले थैंक यू कमेंट्स बॉक्स के अंदर कोई मजाक ना उड़ाए ये आंखें मेरी जाहिर अब नजर खराब होगी तो ऐनक तो जरूरी है करानी पड़ेगी शुक्रिया प्रोफेसर कितने पैसे है गिफ्ट दिया ये देखें अच्छा शुक्रिया बहुत जी इतने गिफ्ट मुझे मिल गए अमीर भाई देखे है और शीशे भी बड़े अच्छे आला किस्म के लगवाए हैं अच्छे बड़े कीमती हैं अब सही है कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह चले आए जी चल जी व्यूवर्स देखें ये मुझे लग गई है ऐनक और वह आपने बताना मजाक नहीं उड़ाना मेरा क्योंकि ये मेरी आंखें हैं मेरी नज़र बहुत वीक हो चुकी है तो उसके लिए मुझे अब ऐनक लगी है जो कि मुझे 24 घंटे लगा के रखनी होगी नहीं तो मेरी फिर नज़र और वीक हो जाएगी तो ये मेडिसिन के तौर पे मैंने लगाई लेकिन मुझे बड़ी उलझन हो रही है कि मैं इसको उतारूं क्योंकि मुझे लगाने की आदत नहीं है बिल्कुल भी और भारीपन महसूस हो रहा है तो इसलिए दिल नहीं कर रहा इसको लगाने को लेकिन लगानी तो पड़ेगी क्योंकि अब मैं क्या करूँ मेरा वो नज़र का सारा मसला हो गया सिर में शदीद दर्द थी इतने दिनों से तो अब नज़र को चेक करवाया एक आँख की ज़्यादा ख़राब है और एक की कम तो इसलिए मैंने लगा ली ऐनक है तो हल्का सा ही फ्रेम लेकिन क्या करूं ये मिला है मुझे लगा लिया अब आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला बस यहीं रुक जाए मैं लगा के रखूंगी ऐनक को और आगे ना बढ़े तो इंशाल्लाह मुझे ऐनक से बड़ी चिढ़ थी लेकिन आज मुझे लगानी पड़ी मैं लाइफ में बस ऐनक नहीं लगाना चाहती थी लेकिन ऐनक मुझे लगानी पड़ी है मैं क्या कहूँ
इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। एक मेरी आई साइड ज़्यादा ख़राब हुई है और एक जो है वो कम है, तो अब ये लगा के तो रखनी पड़ेगी। बहरहाल ये ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं, ज़िंदगी रुकती नहीं किसी भी चीज़ के लिए, ना वक्त रुकता है ना ज़िंदगी रुकती है। और कोई भी हमारी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम या जो भी आता है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही आता है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। गांव भी जाना था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में, गांव भी नहीं जा सकी, वो ईंटें वगैरह भी हमारी लानी थी तो अभी नहीं गए, आज या कल में इंशाल्लाह जाना गांव, और फिर गांव ही चले जाना। सुबह सुबह उठ के सब्ज़ा देखा करूँगी, दरख्तों को, घास को, तो शायद आँखों को कुछ सुकून मिले। यकीन मानिए यहाँ पर तो सुबह सुबह उठते मेरा गला भी नहीं बोलता और साथ ना मेरी जो है ना वो आँखें काम कर दी, सुबह सुबह तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो अब ये चश्मा लग गया, चश्मे से इंशाल्लाह अब नज़र आया करेगा। मैंने ये इसलिए हल्का सा बनवाया कि मुझे बस भारी पड़ना लगे, दो हैं एक ये है, अब देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। ये भी मैं आपको इसके ऊपर ही लगा के दिखा दी, ये इतना बड़ा है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये नहीं लगाना मैंने, बस हम यही लगाते हैं जो ये लगाया हुआ, लेकिन वो ज़्यादा हल्का है। ये भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा ना हल्का बन जाए, तो अब सूट करे या ना कि ये ना करे ये तो बात की बातें हैं, सिर्फ अभी जो आंखें हैं उनको बचाना है। तो कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको हम मेडिसिन समझ के यूज़ करते हैं, चाहे वो हमें पसंद नहीं होती। अब मुझे ऐनक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको मेडिसिन के तौर पे अब यूज़ कर लिया है कि ये मेरी मेडिसिन है, अगर मैं इसको लगाऊँगी नहीं तो मुझे नज़र कैसे आएगा, तो इसलिए मैंने उसको लगा लिया ताकि मुझे नज़र आता रहे। तो आप लोग मुझे नज़र आते रहें और मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे नज़र आते रहें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो आपको देखने के लिए ऐनक ज़रूरी थी, ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए ये मेरी अब आंखें बन चुकी हैं। तो अब मैं आप जब भी आया करूँगी मैं कहूँगी अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको ऐसे करके भी मैं यूँ कहा करूँगी, मुझे यूँ देखें। तो ये जनाब मेरी छोटू सी ऐनक बन गई है। मैंने आपको अपना पार्क दिखाया जहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैठ के पढ़ा। अब मैं बीकॉम पार्ट वन कहाँ पे गई थी पढ़ने के लिए, कौन से पार्क में, वो भी हम जल्द इंशाल्लाह चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखा के लाऊंगी। फ़िलहाल आप मेरी ऐनक को ही देखिए और अच्छे अच्छे से कमेंट करें कि आपको ऐनक बड़ी सूट कर रही, ताकि मैं कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आऊँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़रा भी नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या, मैं इसको तार फेंकूँ तार फेंकूँ, एडजस्ट भी नहीं हो रही, बड़ी मुझे टेंशन भी हो रही है। चलें अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और इस ऐनक के लिए अब एक तो सब्सक्राइब बनता ही है ना, प्लीज़ चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर सही है अच्छी है तो उसको लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। और ज़िंदगी में मायूस ना हो, परेशान ना हो, कोई भी वक्त कैसा भी आए तो वो गुजर जाता है, बस आप लोगों ने अपने अंदर हिम्मत हौसला और अल्लाह के हुक्म से अपने अंदर जो है ना वो हिम्मत और हौसला पैदा करना, नमाज की पाबंदी और कुरान और हदीस और अल्लाह ताला से दुआ करनी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कर्म करता है, वो बेहतर नहीं बेहतरीन कर्म और रहम करता है। तो हवा बड़ी प्यारी चल रही है माशाल्लाह, गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन हवा भी साथ साथ है, तो ज़रूर ख्याल रखिएगा अपना ढेर सारा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।